माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरू कर रहा हूं। आज से सरकार की मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार लॉकडाउन में अंशतः मुक्ति दी जा रही है। जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन से मुक्ति दी गई है ऐसे क्षेत्रों और ऐसे एकमों के साथ जुड़े हुए लोगों को रोका नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को अपने अपने काम पे जाने में कोई परेशानी ना हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा और जहां छूटछाट दी गई है ऐसे सभी जगहों पर लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ऐसी उनसे अपेक्षा की जा रही है। तीन शहरों के जिन विस्तारों में कर्फ्यू जारी है वहां कर्फ्यू का सख्त अमल चालू है। आपके माध्यम से कर्फ्यूग्रस्त विस्तारों के लोगों को बताना चाहता हूं कि कर्फ्यूग्रस्त विस्तार में कोई छूटछाट अभी नहीं दी गई है। कर्फ्यू मुक्ति के दौरान भी लोग कर्फ्यूग्रस्त विस्तार के बाहर नहीं जा पाएंगे। कर्फ्यू भंग की घटना ध्यान पे आ रही है और जहां जहां ध्यान पे आती है कार्यवाही की जा रही है। अहमदाबाद शहर में आज कर्फ्यू भंग के 125 गुना दाखिल किए गए हैं और 142 लोगों का अरेस्ट किया गया है। ऐसे ही सूरत शहर में आज कर्फ्यू भंग के 95 गुना दाखिल किए गए हैं और 104 लोगों को अरेस्ट किया गया है। राजकोट शहर में 45 गुना दाखिल किए गए हैं और 52 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कर्फ्यूग्रस्त विस्तारों में ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है और ड्रोन की मदद से कर्फ्यू भंग के 17 गुना और सीसीटीवी की मदद से 3 गुना दर्ज हुए हैं। सभी सीनियर पुलिस अफसरों को सूचना दी गई है कि लॉकडाउन की ड्यूटी पर लगे हुए सभी जवान खुद को संक्रमण से कैसे बचाएं और क्या सावधानी बरतें उसके बारे में सभी पॉइंट की मुलाकात करके सभी जवानों को एक बार फिर से ब्रीफ करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जो पुलिस जवान फ्रंटलाइन पे कोरोना संक्रमित विस्तारों में काम कर रहे हैं उन सबको जरूरी संख्या में पीपीई किट मुहैया कराए जाए। ऐसे कठिन समय में भी बिना थके हुए 12 घंटे काम करते हुए सभी पुलिस जवान और अधिकारियों की मैं सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि जवानों में 3 मई तक ऐसा ही जोश बना रहेगा। मुझे इस बात का भी गर्व है कि इन मुश्किल हालात में भी अभी किसी जवान ने अपने फर्ज के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। अभी भी लोगों अंतर जिला और आवन जावन प्रतिबंधित होने के खिलाफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं पुलिस के ध्यान पे आती ही कार्रवाई भी हो रही है। ऐसी एक घटना बनासकांठा जिले की नैनावा चेकपोस्ट पर पकड़ी गई है जिसमें बैंगलोर से 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर राजस्थान जाने की प्रयास कर रहे थे। रास्ते में चेकपोस्ट आने पे ये लोग साइड के कच्चे सड़क से निकल जाते थे और बच रहे थे। चेकपोस्ट पे पकड़े गए और अब पुलिस ऐसी कच्चे सड़कों पे भी नजर बनाई हुई है। डिटेन किए गए वाहनों में कल 10,033 वाहन छोड़े गए। राज्य में अब तक कुल 69,205 वाहन मुक्त किए गए हैं, लेकिन जिन लोगों को लॉकडाउन से मुक्ति नहीं दी गई है ऐसे लोग अगर बिना वजह घूमते हुए पुलिस पकड़ेगी तो वाहन जब्त किया जाएगा। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। राज्य में कल ऐसे 41 गुना दाखिल हुए और 74 लोगों को पकड़ा गया है। अभी तक ऐसे 110 गुना में 208 लोगों की धरपकड़ भी हुई है। ड्रोन के फुटेज की मदद से कल कुछ 260 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 62 गुना दाखिल किए गए हैं। आज तक राज्य में ड्रोन की मदद से कुल 7,011 गुना और सीसीटीवी की मदद से कुल 1,268 गुना दाखिल किए गए हैं।
अफवाह और गलत मैसेज की प्रसार करने के मामले में आज तक 370 गुना दाखिल किए गए हैं और 703 लोगों की अटकायत की गई है। एएनपीआर की एनालिसिस से आज 219 गुना और वीडियोग्राफर द्वारा लिए गए वीडियो फुटेज के आधार पर आज तक 274 गुना दाखिल हुए हैं। प्रहरी जैसे खास वाहन जिन पे कैमरा लगा हुआ है, ऐसे वाहनों की मदद से आज तक 169 गुना दाखिल किए गए हैं। तबलीग जमात के लोगों के द्वारा लॉकडाउन का भंग किए जाने पर दो घटना और ध्यान ऊपर आई है। गांधीनगर जिले के कलोल से तबलीग जमात के 3 लोगों लॉकडाउन के पहले महाराष्ट्र गए थे, ये कल आए हैं वापस और उनके खिलाफ गुना दाखिल किया गया है। दूसरे किस्से में गोधरा में शूरा जमात के लोग उत्तर प्रदेश से वापस गोधरा आए और बी डिवीजन गोधरा पुलिस स्टेशन में एक दूसरा गुना दाखिल हुआ है। अब कुल तबलीग जमात के शूरा फैक्शन के लोगों में से वापस आए लोगों पे 11 गुना दाखिल हो चुका है। थैंक यू।